जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और इस वक्त आ चुके हैं झारखंड में और आपको बता देना चाहते हैं झारखंड के गढ़वा जिले में। और आप देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल चारों तरफ, इधर भी दिखाइए थोड़ा, चारों तरफ जितने भी जो है पेड़ लगे हुए हैं, लगभग 3 से 4 बीघा में पेड़ है। आपको मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद केसरी, रामकंडा प्रखंड, पंचायत रक्सी और ग्राम दाहो में मेरा भंडार है। खेत जमीन सब सारी जमीन यहीं पर है और यहाँ हम एक प्लांटेशन लगवाए हैं, जिस प्लांटेशन में सगवान का गाछ है, शीशम का गाछ है और आमा का भी गाछ है। और इसमें सागौन और शीशम ज्यादा दिख रहा है जी। तो बता दें कि इस 3 से 4 बीघे में शीशम का, सागौन का पेड़ आपको अधिकतर मिलेंगे। आपको बता दें कि 15 साल में जो पौधे हैं, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं जो पौधे हैं, वो तैयार होकर लगभग एक पेड़ का जो है दाम हो जाएगा लगभग 50,000 से ऊपर हो जाएगा। सगवान भी है और शीशम और गम्हार ज्यादा है। कितना में और अथी कितना जमीन है सर? डेढ़ एकड़। कितना पौधा होगा सब मिलाकर? कम से कम हो जाएगा आपका 800-900। तो ये बड़ा होने के बाद कितना दिन में तैयार होता है? बड़ा दिन में सगवान शीशम हो जाएगा 15 साल में और सगवान होगा आपका 20 साल में कटेगा। एक पेड़ का कीमत? एक पेड़ का कीमत उस समय तो बहुत जल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कम से कम 50,000 होना चाहिए। कम से कम 50,000? हाँ। आपको बता दें कि लगभग 1,000 पौधा जो है इस 3 बीघे में रोपा गया है, लगभग 1 एकड़ जो है जमीन है। और इस जमीन में लगभग आपको, आप आंकड़ा कर सकते हैं कि अगर एक पौधा यार पेड़ बनता है 15 साल में, तो उसका कीमत जो है लगभग 50,000 से अबव हो जाता है। तो 1,000 जो है पौधे जो है इस 1 एकड़ में लगाया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि 1 एकड़ में आप कितना अर्न कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तक जो है आपको बहुत ज़्यादा करोड़ों, लगभग 5 से 10 करोड़ रुपये अर्निंग कर सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर। मतलब लगभग जो लगभग 800-900 पौधे पेड़ पौधे हैं, तो लगभग कितना है, लगभग करोड़ों रुपए का संपत्ति पार करेगा। मतलब फसल मक्का और गेहूं चना रोपने से पहले मतलब बेनिफिट ये सर? हाँ, एक पेड़ जो है जो लगा लेता है, एक बच्चा के जो उतना पालता है उतना उसका मैंने मेहनत लगता है, माना जाता नहीं है। लेकिन जो चाहेगा, पैसा दुनिया में काम नहीं है कि कोई काम नहीं होगा। प्रकृति को पॉल्यूशन से भी बचाता है, प्रकृति के लिए भी है। आपका जो पानी जो कम हो रहा है, बारिश कम हो रहा है, पेड़ पौधा कटते जा रहा है, कोई लगा नहीं रहा है। तो आप अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपके प्राकृतिक जो है नेचर जो है साफ भी रखेगा, सुंदर भी रखेगा और हवा भी देगा। तो आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, ताकि जो है हमारे नेचर को तो साफ हवा दे वही करेगा और जो भी पॉल्यूशन होते हैं पॉल्यूशन से भी सेफ रखेगा हम लोगों को। और पैसे तो हम लोग अवश्य देगा, क्योंकि जो है लगभग 1,000 पेड़ का जो दाम, आप सोच सकते हैं कि लगभग एक पेड़ का दाम 50,000 है। 15 साल में एक पेड़ का दाम 50,000 हो जाता है, तो 1,000 पेड़ों का दाम कितना हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं तक जो है इस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो हम तो गाइडलाइन अपने गांव में, अपने प्रखंड के अंदर में सभी को बता रहे हैं कि हर घर में हर लोग कृषि कम से कम 10 कट्ठा में लगाए, 5 कट्ठा में लगाए, 4 कट्ठा में लगाए, लेकिन लगाए जी। आने वाला बच्चन को भविष्य आपका अच्छा रहेगा, पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगा फ्रेश, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रहेगा, उसके बाद बिजनेस भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा, दोनों। इससे बढ़िया क्या चाहिए? एक तीर कई निशाना हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं भी पेड़ पौधे लगाकर आपके जो खेत है लगभग 10 कट्ठा या फिर 20 कट्ठा या जो भी है उतना खेत है, तो आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और लगभग जो है शीशम और सागौन का जो है पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, जिससे कि आप अर्निंग अधिक कर सकते हैं। और इस जो है लकड़ी की जो है अधिक महत्व भी होता है और ज़्यादा कीमती भी होता है। तो इस तरह से आप लोग अनुच्छा पहल जो है अपना सकते हैं, अपना प्रकृति को भी साफ रख सकते हैं और पैसा भी अर्न कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप लोग परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।